एवरीबॉडी, हम जा रहे हैं बाहर घूमने। हाँ, हम जा रहे हैं बाहर घूमने कुछ शॉपिंग करने के लिए। और मैं दिखाती हूँ, मैं गाड़ी के बाहर खड़ी हूँ और गाड़ी के अंदर लोग हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है इवनिंग और लेट नाइट वाला व्लॉग और हम जा रहे हैं बाहर। बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो ये है वीकेंड का टाइम, यानी थर्सडे। थर्सडे इस बहरीन को वीकेंड होता है। तो हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए अल अनवर डिस्काउंट सेंटर। तो बस हस्बैंड थर्सडे को ऑफिस से आए थे थोड़े से लेट और फिर हमने कहा झटपट चलो, लेट्स गो एंड नॉट वेस्ट द टाइम और घूमने चलते हैं। तो ये जो एरिया जहाँ पे मैं रहती हूँ और मेरे घर के बाजू में एक बड़ा सा मॉल है और यहाँ पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं जो 24 आवर्स चालू रहते हैं, जैसे मैकडीज, जैसमिस, KFC, पिज़्ज़ा हट, हार्डीज़, ये जैसे बहुत सारे आउटलेट्स, फूड आउटलेट्स 24 आवर्स चालू रहते हैं। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो हमारे घर के वहीं पे ही है। मतलब ऑल इन ऑल हमारे घर के आजू बाजू में काफ़ी रौनक रहती है और काफ़ी, मतलब आपको खाने पीने की चीज़ें मार्केट वगैरह के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर के आजू बाजू में सब कुछ मिल जाता है। तो ये थर्सडे का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग तो बस एक थोड़ा सा एक बहाना है, बस घर से बाहर निकलना था। तो इसीलिए मैंने हस्बैंड को कहा कि आज हम थोड़ी सी जाएंगे और बच्चों के लिए थोड़े से टॉयज़ वगैरह लेना था और मुझे घर के लिए थोड़ी सी सामान भी लेनी थी। तो मैंने कहा कि चलो हम घूमने चलते हैं। तो ऐसे करके थर्सडे को निकले थे। और थर्सडे को नॉर्मली ऐसा होता है कि बहरीन में बहुत भीड़ रहती है, ट्रैफिक जैम्स रहता है, बट आप देख सकते हैं रोड बहुत ही खाली खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है और ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स भी नहीं है। आई थिंक लोग ज़्यादा निकलते नहीं है अभी, तो लोग अवॉइड करते हैं निकलना और वीकेंड्स वगैरह शायद घर पे ही टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा ट्रैफिक जैम हमको मिला नहीं और भीड़ भी थोड़ी बहुत कम ही थी। तो ये बस निकल के हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा लाइक कार स्पेस, कार पार्किंग का स्पेस बहुत कुछ है यहाँ पे। मतलब लोग इस जो जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पे अंदर बहुत सारे कार्स पार्किंग नहीं होती, तो यहीं पे कार पार्क करके लोगों को आना पड़ता है। तो ये है तलाबत, जैसे हमारे इंडिया में जोमेटो या स्विगी है, वैसे ये है तलाबत जहाँ पे आप फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं और आजकल तो ग्रोसरीज भी ऑर्डर कर सकते हैं तलाबत से। और ये मेन सिग्नल और ये है बहरीन का बस जो जा रहा है। पुलिस, ये पुलिस की जीप है और ये हमारा जेवी है जो कुछ कुछ बोल रहा है। जेवी ने बस बोला, सी इज सो कार, कार सी इज अ कार, पी इज अ पे, पे वी इज फॉर वैन, सी इज अ कार, कार टी इज फॉर ट्री। आपने सुना क्या बोल रहा है वो? ट्री। और ये है हमारे घर के बाजू का किड्स किंगडम और ये पूरी तरह से बंद है। ओह माय गॉड, कैन यू सी, ये वीकेंड्स वगैरह में बहुत रौनक होती थी, काफी फैला हुआ है ये किड्स किंगडम जहाँ पे बहुत बड़ा पार्क और काफी सारे राइड्स वगैरह होते थे। ओह माय गॉड, बाइकर बहुत तेज गया, एक बाइकर तो आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा किड्स किंगडम है जो यहाँ तक फैला हुआ है पूरी तरह, लेकिन अब टोटली बंद है कहीं नहीं। डॉल्फिन पार्क के सामने है। नहीं, डॉल्फिन पार्क नहीं। और ये मरीना बे है ना सो, ये जो घर आपको दिख रहा है जो पानी के वहाँ पे, इसको मरीना बे बोलते हैं। बहुत ब्यूटीफुली हाउसेज है ये, रात को कुछ पता नहीं चल रहा लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। और बहरीन का पानी तो और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वेरी ब्लू वाटर, वेरी क्लीन एंड ब्लू वाटर। और ये हमारे सामने है सिटी सेंटर मॉल। और ये जो तीन बिल्डिंग आपको दिख रही है वो अल अबराज बिल्डिंग है, सेम साइज के, सेम
सेम दिखने वाले तीन ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स और ये हम ब्रिज के नीचे आ चुके हैं और ये है अल अब्राज और इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड अ वेरी बिग वेरी वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग यस और ये हर जगह आपको बैठने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी लेकिन कोई बैठता हुआ नहीं दिखेगा यहाँ पे घास वगैरह है जो आप आके बैठ सकते हो बट काफ़ी दूर है चल के लोग आ नहीं सकते और सेकेंडली क्लाइमेट भी ऐसा है कि आप बाहर इतने कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते तो काफ़ी ओपन स्पेसेस है बहरीन में बैठने के लिए और ये बन रहा है कुछ नया सा मॉल काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ मैं पहली बार ये कंस्ट्रक्शन देख रही हूँ काफ़ी बड़ा कुछ मॉल बन रहा है यहाँ पे और हम जा रहे हैं अल अनवर डिस्काउंट सेंटर तो ये उसी का रास्ता है पीछे से सेवी चिल्ला रहा है शाउटिंग दिख रहा है अल अनवर डिस्काउंट सेंटर यही पे हम जा रहे हैं क्या बोला कैमरा नॉट अलाउड किधर इनसाइड द डिस्काउंट सेंटर हु टोल्ड यू कैन गो एंड सी आई विल गो एंड सी द नोटिस बोर्ड लाइक द स्कूल लाइक स्कूल देयर इज नोटिस बोर्ड देयर इज अ नोटिस बोर्ड नियर द ट्रॉली नियर द ट्रॉली ओके फाइन आई विल सी देयर ओके ओके माय हस्बैंड सेइंग कैमरा नॉट अलाउड डिस्काउंट सेंटर और ये ऐसे अंदर से हमको जाना पड़ता है अल अनवर यहाँ पे बहुत सारे विलाज हैं बड़ी और ये है अल अनवर डिस्काउंट सेंटर वेरी वेरी नाइस इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी क्या हो रहा है शॉप उधर अंदर है बाकी बीच में गाड़ी खड़ी हुई है तो ये है अल अनवर डिस्काउंट सेंटर हम इसको डिस्काउंट सेंटर बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छी एक शॉपिंग डेस्टिनेशन है और मेरी डॉटर का तो फेवरेट डेस्टिनेशन है बिकॉज़ यहाँ पे टॉयज़ और स्टेशनरी आइटम्स की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलेंगे मतलब एक चीज़ की आपको हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी तो ये ऑल इन ऑल एक पूरा बोले तो एक टोटल स्टोर है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्रॉम हाउस होल्ड टू स्टेशनरीज टू एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा और स्पेसिफिकली अगर आपको बच्चों के लिए कुछ आइटम्स ख़रीदने हो जैसे टॉयज़ हो स्टेशनरीज हो आप यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट आइटम्स बैग स्कूल सप्लाइज और स्टेशनरी आइटम्स टॉयज़ वगैरह बहुत कुछ मिल जाती है और यहाँ पे हम बड़े लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जैसे हाउस होल्ड
हाउस डेकोर, यूटेंसिल्स और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और जो मेनली हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड भी है और काफ़ी वैरायटी भी आपको मिल जाती है, तो इसीलिए हम कुछ भी सामान लेना हो बच्चों से रिलेटेड या मुझे घर के लिए कुछ भी थोड़ा डिफरेंट कुछ लेना हो तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर अल अनवर ही आती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये स्टोर यहाँ पे आना। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शूट भी किया है, उस दिन वीकेंड था और अल अनवर में काफ़ी भीड़ थी, तो बहुत यहाँ वहाँ करके मैंने आप लोगों के लिए ये शूट किया ताकि आप देख सकें कि क्या क्या आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं, स्पेसिफिकली जो बहरीन में रहते हैं, तो वो अगर यहाँ पे नहीं विज़िट किए तो आप लोग को यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और यहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए ये डायनोसर वाला मॉडल टॉय ख़रीदा था क्योंकि उसको बहुत पसंद आया, डायनोसर्स पसंद है और उसको बहुत पसंद आया था ये डायनोसर वाला टॉय मॉडल। और मैंने अपनी डॉटर के लिए भी कुछ टॉयज़ ख़रीदे थे और बेटे के लिए भी थोड़े बहुत टॉयज़ ख़रीदे थे और थोड़े बहुत हाउस होल्ड आइटम्स ख़रीदे थे यहाँ से, ज़्यादा नहीं ख़रीदा था। तो बस आप भी यहाँ पे देख के इन्जॉय कीजिए। और ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो मैंने बनाया है और आपको अगर मेरा वीडियोज़ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे एक सपोर्ट भी मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो ये शॉपिंग वगैरह करके मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गई थी और ये मेरे हस्बैंड गए हैं डिनर लेने के लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है बहरीन में जो अरबिक, ऑथेंटिक अरबिक फूड सर्व करता है। तो हम यहाँ पे आते नहीं हैं ज़्यादातर क्योंकि हम ज़्यादा निकलते नहीं हैं कोविड के वजह से, तो इसलिए यहाँ पे आना होता नहीं और हमने बाहर से खाना खाना काफ़ी बंद कर दिया था। तो ये अल रोमांसिया रेस्टोरेंट है और हमें यहाँ का खाना बहुत पसंद है, तो सोचा कि आज यहाँ से खाना ट्राई कर लेते, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए थे अपना खाना लेने। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा खाना लिया और फिर हम गए मुंबई स्पाइस। तो ये है मुंबई स्पाइस, यस बहरीन में भी है मुंबई स्पाइस रेस्टोरेंट जो बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। जो बहरीन में यहाँ पे रहते हैं उनको डेफिनेटली अगर यहाँ पे ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए, नॉर्थ मुंबई का फ्लेवर बहुत अच्छे से हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मुंबई स्पाइस रेस्टोरेंट से भी हमने आधा खाना लिया था। सो नाउ वी आर जस्ट हेडिंग बैक टू आवर होम, खाना ले लिया है और वी आर ऑलमोस्ट टायर्ड एंड टोटली एग्जॉस्टेड आफ्टर शॉपिंग एंड एवरीथिंग, सो वी जस्ट नीड टू गो होम। तो बस हम घर जा रहे हैं और मैं आपको घर पे जाके भी ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या खाना लिया है। सो ये आज वीकेंड का खाना आया है अल रोमांसिया से और दूसरा हमने लिया है मुंबई स्पाइस से। दोनों ही बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट है, मुंबई स्पाइस इंडियन मुंबई टच है। तो आज हमने यहाँ से चाइनीज़ लिया है और अल रोमांसिया से हमने लिया है राइस, अरबिक राइस लिया हुआ है। ऑथेंटिक अरबिक रेस्टोरेंट है और ये अल रोमांसिया सऊदी अरेबिया का रेस्टोरेंट है और उसका ब्रांच बहरीन में भी है। तो यहाँ से हम खाना लेके आए हैं, तो चलो देखते क्या है। तो ये मिले हैं चटनी राइस के साथ खाने वाली अरबिक चटनी और ये है राइस और ये है मगोत राइस जो हमारा फेवरेट राइस है। तो ये है मगोत राइस, इसमें हाफ चिकन भी होगा और राइस भी आप देख सकते हैं क्वांटिटी बाहर तक आ रही है, राइस की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, ये कम से कम 2-3 लोग आराम से खा सकते हैं।
और बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल राइस है। तो ये है नान, बटर नान हमने लिया था, और ये है मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, और ये है सेज़वान नूडल्स जो मेरा फेवरेट है, चिकन सेज़वान नूडल्स है, ये चिकन मंचूरियन है ग्रेवी, और ये है बटर नान, और हमारे पास राइस भी है। और ये आ गए जेवी के डायनासोर्स, ये मैं लेके आई थी जेवी के लिए डायनासोर्स, जेवी उसी के साथ खेल रहा है, और भी है डायनासोर्स, बस ये तीन निकाल के दिए उसको फिलहाल के लिए ताकि वो खेले, और इसको जेवी को इन सभी डायनासोर्स के नाम पता है ना जेवी। जेवी विच डायनासोर इज दिस? जेवियन बोलता है ये है ब्रैकियोसॉरस, और ये है ट्राइसेराटॉप्स, ये है टीरेक्स, टीरेक्स टिरानोसॉरस रेक्स, यस, शॉर्ट फॉर्म टीरेक्स, हाँ, शॉर्ट फॉर्म टीरेक्स, शॉर्ट फॉर्म टीरेक्स। तो जेवी को बड़ा मजा आया क्योंकि उसको डायनासोर्स बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी पसंद है। हाँ, स्टार को भी बहुत, स्टार को भी डायनासोर्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे दोनों बच्चे बड़े डायनासोर्स के बड़े शौकीन हैं, वीडियोस भी उसी के देखते हैं। जेवियन तो पूरा आरएनडी कर रहा है उसका। क्या देख रहा है? साइज देख रहा है वो उसके? साइज कंपैरिजन कर रहा है वो? मैं भी साइज कंपैरिजन करना चाहती हूँ। ओह, जेवियन साउंड्स भी निकाल रहा है उसके। ये बड़े तीर हैं।